हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने जो डाटा है उसको कैसे सेव कर सकते हो। क्या होता है कि गाइस, गूगल प्ले स्टोर में कोई सा भी ऐप्स का जो अपडेट आता है वो ऑटोमेटिकली कभी कभी अपडेट हो जाता है और आपका मोबाइल नेटवर्क में वैसे ही डाटा कम होता है और कंज्यूम हो जाता है बेवजह आपके बिना चाहते हुए भी। ओके, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो गूगल प्ले स्टोर के ऑटो अपडेट्स ऐप है उसको कैसे बंद कर दें, यानी कि आप जब चाहो तभी अपडेट करो, ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो। ओके, उसके लिए सिंपली आपको अपने प्रोफाइल फोटो में क्लिक करना है ऊपर। ऊपर में क्लिक करने के बाद फ़ोन के मतलब प्ले स्टोर के सेटिंग्स में जाना है। फिर सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेंस में जाना है और ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस में आप लोगों को क्लिक करना है, या नहीं सेकंड में आप लोगों को क्लिक करना ऑटो अपडेट ऐप्स में। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सिंपली आपको डोन ऑटो अपडेट्स ऐप्स में क्लिक करना। ओके, ये क्लिक करके सिंपली ब्लैक बैक जाना। अब क्या होगा कि कोई सा भी ऐप में कोई अपडेट्स आता है तो ऑटोमेटिकली अपडेट्स नहीं होगा। ओके, जब तक आप मैन्युअली ना करो। तो ऐसे आप लोग अपने मोबाइल के जो डाटा है उसको बचा सकते हो, ताकि कोई भी अपडेट्स आया हुआ है तो ऑटोमेटिकली अपडेट्स ना हो, जब आप चाहो तो ही वो अपडेट हो। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।